जलवा, लोगों को फिर आई श्रीदेवी की याद, उलझ की धमाकेदार शुरुआत, क्यों रिकॉर्ड तोड़ेगी उलझ। नमस्कार, मेरा नाम है सचिन राठौर और आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया पर हमारा खास शो, जो आपको एंटरटेनमेंट की खबरों से गुजारने के लिए हमेशा तैयार रहता है। आज हम बात करेंगे, जानवी कपूर की फिल्म उलझ रिलीज हो गई है और जानवी अपने करियर में काफी ग्रो कर रही है। वो अब काफी सीरियल रोल कर अपनी परफॉर्मेंस दिखा रही है और काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है। अब तक सुधांशु सरिया द्वारा निर्देशित फिल्म उलझ में शुक्रवार को रिलीज हो गई है और अब आप भी इस फिल्म को देखने का मन बना रहे हैं तो उससे पहले हमारा रिव्यू देख लीजिए कि फिल्म है कैसी। उलझ की स्टोरी एक यंग ब्राइट सुहाना भाटिया पर आधारित है, जो एक बड़ा और प्रभावशाली परिवार है। उनके दादा का नाम स्कूल की किताबों में लिखा जाता है। सुहाना एक यंग डिप्टी हाई कमीशन है जिनके सिर पर भाई भतीजावाद की तलवार लटक रही है। अपने परिवार की विरासत को आगे ले जाना और उसे विशेषाधिकार के लिए चैलेंज का सामना करना इसकी कहानी है। उलझ में काफी चीजें करने की कोशिश की गई है, जैसे कि नेपोटिज्म पे कमेंट्स, वर्क प्लेस पर महिलाओं के साथ गलत बर्ताव, अंतरदेशीय संघर्ष। इन मुद्दों से फिल्म काफी गंभीर हो जाती है। इंटरमिशन के बाद आपको सरप्राइज लगेगा, लेकिन ऐसा हो सकता है कि इसके बाद आपको एहसास होगा कि ये वेब सीरीज के तौर पर बनाई जानी चाहिए थी। अंतरदेशीय संघर्षों पर आधारित फिल्म के साथ समस्या है कि उन्हें गंभीरता से लिया जाना चाहिए, लेकिन फिर भी प्लॉट को आगे बढ़ाने के लिए सुविधा पर निर्भर रहना पड़ता है। दो किरदार इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स बनेंगे और इससे भागकर लंदन से भारत पहुंच जाते हैं और कोई उन्हें ट्रेस कर नहीं पाता। वहीं एक आदमी प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी को बहुत ही आसानी से तोड़ के निकल जाता है। जानवी ने अपना बेस्ट काम किया है, वो हर सीन में सब पर भारी पड़ती दिख रही हैं। जानवी की परफॉर्मेंस इस बात को साफ कर देती है कि नेपोटिज्म का मतलब ये नहीं कि उनमें कोई टैलेंट नहीं है। परवेश शेख की और सुधांशु सिंह की राइटिंग ने जानवी के किरदार को बहुत ही अच्छे से हाईलाइट किया है और इसमें बहुत ही ज़्यादा मदद भी की है। फिल्म में एक डायलॉग आता है कि अब ये बकरी क्या करेगी, तो इसके बाद कैमरा फोकस जानवी के चेहरे पर होता है और वो कहती है कि पूरा का पूरा खेत खा जाऊंगी। सपोर्टिंग कास्ट में गुलशन देवैया का काम भी काफी अच्छा लगा। क्लाइमैक्स में उनकी लाइंस आपको काफी पसंद आएंगी। आदिल हुसैन के कुछ ही सीन थे, लेकिन लास्ट में जब वो एक कंसर्न्ड पिता के रूप में दिखेंगे तो उनकी परफॉर्मेंस देखने वाली होगी। रोशन मैथ्यू और स्क्रीन टाइम मिलना चाहिए था, तो वहीं मियांग चैंग भी एक अच्छे से सीन में दिखेंगे, लेकिन उन्हें काफी छोटा सीन दिया गया है। ऐसे अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ वन इंडिया।